ऑल आउट फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बाइसेप की एक्सरसाइज, कैसे आप अपने बाइसेप को इंक्रीज करेंगे, कैसे आप उसको चौड़ा करेंगे। मैं आपको तीन एक्सरसाइज बताऊंगा, तीनों के अलग अलग वेरिएंट होंगे। और आज हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि इस एक्सरसाइज को करते समय आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ। तो अपनी पहली एक्सरसाइज होने वाली है बारबेल कर्ल, और इसको कैसे पकड़ना है। बारबेल आपको अपनी शोल्डर विड्थ पे रखना है, सिंपल अपने एल्बो को लॉक कर लेना है, इसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। और सबसे पहले आप एक वार्म अप सेट जरूर कर लें। मैंने वार्म अप सेट कर लिया, मैं आपको वर्किंग सेट करके बताता हूँ अभी। जब भी आप बारबेल को ऊपर ले जाएंगे तो आप ब्रीद आउट करेंगे, इस तरह से आप इसके तीन से चार सेट करिए। और कोशिश करिए कि आप जब पहला सेट कर लें तो सेकंड और थर्ड सेट में आप इसमें वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लें और फेलियर तक जाएं। अब लोग इसी में सेकंड मिस्टेक क्या कर देते हैं, इसी में हम लोग ले लेते हैं डंबल। सेम हमारा बारबेल में वो वेरिएशन हुआ और लोग इसी में डंबल कर्ल भी करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें भी सेम वही वेरिएशन है। तो इससे आपकी ज़्यादा बाइसेप पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप अगर इसको करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक अलग तरीका बता देता हूँ। तो मैं ले लेता हूं, अभी करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। तो ये है अपनी इंक्लाइन बेंच, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। कोशिश करिए थोड़ा सा ये और डिक्लाइन रहे, ज़्यादा डिक्लाइन हो जाए। और इस पर हम लोग पहले एक्सरसाइज में हमारे हाथों की पोजीशन ये थी बराबर फ्लैट। अब सेकंड एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल कर्ल, तो इस पे हमारे हाथ थोड़ा सा हमारी बॉडी से पीछे चले गए, अभी पीछे गए। अब आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, वेट मैंने अपने हिसाब से लिया, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें। ब्रीद आउट, इसमें भी आपको अपने एल्बो को इसी जगह पे लॉक रखना है और बाइसेप पे अच्छे से प्रेशर करना है। अब जो हम लोग थर्ड एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम लोग कोशिश करेंगे हमारे हाथ आगे की तरफ रहें, तो तीनों पोजीशन में हमारी तीनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। तो जो अपनी थर्ड एक्सरसाइज होने वाली वो है प्रीचर कर्ल। आ जाओ सामने से आ जाओ। तो प्रीचर कर्ल में करना क्या है, मैं जब भी करता हूँ इसको सिंगल हैंड से ही करता हूँ, डबल हैंड में ज़्यादा मैं सोचता हूँ इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसलिए सिंगल हैंड में इसको यूज करता हूँ। और वेट मैं इसमें काफ़ी कम रखता हूँ, और अभी मैं यूज कर रहा हूँ 5 kg। इसको निकाल के मैं ऊपर डाल देता हूँ, एक एक हाथ से करता हूँ। इसमें आपको पोजीशन ऐसी रखनी है कि आपका ये शोल्डर पूरा लॉक हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये एक जगह पे लॉक हो गया आपका। इसके बाद आप अपने हाथ को रख लीजिए अच्छे से और शुरू करते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न इसमें भी सेम होगा, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। और जब आपका एक सेट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आप अगर इसे 12 रेप करते हैं तो आप दूसरे हाथ से भी 12 रेप ही करेंगे। ब्रीद आउट ब्रीद इन। अभी जब मैं इसे 12 रेप कर लूँगा तब मेरा पूरा सेट कंप्लीट होगा, और जो लास्ट का सेट होगा उसमें मैं थोड़ा सा हैवी वेट लगा के दोनों हाथ से करूँगा। और कोशिश करिए इसके भी आप 3 से 4 सेट करिए। और मैं तो जब फर्स्ट एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा वार्म अप सेट होता है, बाकी के मेरे सारे सेट जो होते हैं वर्किंग सेट होते हैं, तो मैं अप्रॉक्स 4 से 5 सेट तो करता ही करता हूँ। तो ये थी अपनी बाइसेप की तीनों एक्सरसाइज, जिसको आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में डालिए और देखिए आपका बाइसेप अच्छे से इंक्रीज होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।